नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में, हीट ट्रांसफ़र कैसे करता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ट्रैवल कैसे करता है चीज़ों में, इन सब के बारे में हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हीट ट्रैवल कितने तरीके से करता है? तो ये तीन तरीके से करता है, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। ये तीन तरीके होते हैं जिससे हीट ट्रैवल करता है। तो आगे देखेंगे हम कंडक्शन के बारे में। किसी भी सब्सटेंस में जब कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रैवल करता है, तो इसमें खास बात यह है कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उसके जो भी सब्सटेंस है उसके पार्टिकल, जो अणु हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। उसमें बिना मूवमेंट किए हुए हीट ट्रैवल होता है। जैसे आप पिक्चर में देखेंगे कि अगर ये एक रॉड है और इसे हम गर्म कर रहे हैं कहीं पे, तो ये हीट धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं इस सब्सटेंस के, रॉड के, वो ट्रैवल नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट हैं, बट हीट ट्रैवल कर रहा है। तो ये कंडक्शन होता है। अब देखेंगे कन्वेंशन के बारे में। कन्वेंशन प्रोसेस है, इसमें जो भी सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे, एग्जांपल के लिए किसी किसी एयर को गर्म करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे जब हम किसी एयर को गर्म करेंगे, हवा को गर्म करेंगे, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऊपर की तरफ हवा में उठेंगे और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। ये कन्वेंशन प्रोसेस होता है। अगर लिक्विड की बात करें, तो जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे किसी बर्तन में रख के, तो जो गर्म पार्टिकल्स धीरे धीरे, जब ये लिक्विड गर्म होना शुरू होगा, तो जो इसके जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर होने ऊपर चले जाएंगे, अपवर्ड्स चले जाएंगे, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं इस सब्सटेंस के, जो भी एयर है या फिर ये लिक्विड है, इसके ट्रांसफ़र से हो रहा है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, आपस में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हीट ट्रांसफर का कन्वेंशन मेथड होता है। अब आगे देखेंगे रेडिएशन में क्या होता है। रेडिएशन मेथड जो होता है, इसमें दोस्तों जो हीट ट्रैवल करती है वो बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करती है। मतलब उसे ट्रैवल करने के लिए किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के थ्रू ट्रैवल नहीं करती है, वो बिना किसी सोर्स के ट्रैवल करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे, तो जैसे सन की जो गर्मी होती है वो डायरेक्ट बिना किसी मीडियम के हमारे अर्थ तक, हमारी पृथ्वी तक आती है। ये रेडिएशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो चित्र है, ये जो पिक्चर है, ये हीट ट्रांसफर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे कन्वेंशन के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। जय हिंद।